प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनास से दिसंबर साल 2018 में एक रॉयल वेडिंग शादी दो तरीकों से हुई थी, एक तो क्रिश्चियन रीति रिवाजों से और दूसरी हिंदू रीति रिवाजों से। शादी की रस्मों में कॉकटेल पार्टी, संगीत, मेहंदी और रिसेप्शन जैसी कई रस्में निभाई गई। हाल ही में निक ने अपनी शादी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। निक के अनुसार शादी की रस्में निभाते वक्त एक ऐसा समय आया था जब उन्हें लगा कि ये शादी रोक देनी चाहिए। निक एक हॉलीवुड रियलिटी शो द लेट लेट शो विद जेम्स कॉर्डन में पहुंचे थे और शो में निक का एक लाई डायरेक्टर सेगमेंट हुआ। इसमें निक से एक अजीब सा सवाल पूछा गया था जो कि शादी से भी जुड़ा हुआ था। बता दें आपको कि इससे पहले जोनस ब्रदर्स ने ये बताया था कि प्रियंका के ससुराल में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि पहले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। यहाँ तक कि कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। चैट शो के दौरान निक के भाई केविन ने बताया कि उनकी छोटी बेटी वालेंटीना को प्रियंका के साथ कंफर्टेबल होने में काफी ज्यादा वक्त लगा। केविन ने बताया कि अब तो मेरी बेटियां घर की नई मेंबर प्रियंका चोपड़ा के साथ सहज हैं, लेकिन शुरुआत में छोटी बेटी वालेंटीना को काफी ज्यादा मुश्किलें हुई। वो निक के काफी ज्यादा करीब है और उन्हें लेके प्रोटेक्टिव भी है। जब शुरुआत में प्रियंका निक से मिलती थी और उनके कंधे पर हाथ रखती थी तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता था। यहाँ कई बार खबरें तो ऐसी भी वायरल रही कि उन्होंने प्रियंका का हाथ भी निक के ऊपर से हटा दिया। केविन ने आगे ये भी बताया कि वेलेंटिना अगर निक के आसपास होती तो वो प्रियंका का हाथ छटक देती। बता दें आपको कि धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि प्रियंका भी अब इसी फैमिली का हिस्सा है और वेलेंटिना अपनी चाची के साथ काफी ज्यादा सहज है। नेक्स्ट टाइम न्यूज रूम से अजय की रिपोर्ट।